नमस्कार दोस्तों, आजकल सभी लोग हम लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं घर में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने बच्चों के साथ। और मोर ओवर बहुत सारे लोग क्या है, कुकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नाउ दे आर कुकिंग, राइट। सो एक तरीके से मैंने यह ऑब्जर्व किया है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम फूड को दे रहे हैं, राइट। नॉट टॉकिंग अबाउट दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन फूड, पर जहाँ तक मेरा ख्याल है कि खाना सब पसंद करते हैं, चाहे सुबह का हो, दोपहर का हो या शाम का हो। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मेरी शेफ ने मुझे बताया था द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड एंड कम्युनिटीज, जो कि मुझे इस लॉकडाउन पीरियड में इस चीज़ का रियलाइज हुआ कि हाँ, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फूड को देंगे तो हम उसको बेटर समझ सकते हैं। क्यों? आप जब लॉकडाउन नहीं था, जनरली आप सभी लोग रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते होंगे। बहुत सारे लोगों से पूछेंगे रेस्टोरेंट में जाने के लिए, तो बहुत सारे लोग उसमें बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं जाएंगे, डिपेंड्स, राइट। तो बहुत बहुत जगह ये देखा गया है कि हम लोग बाहर जाना कम पसंद करते हैं और खाने पर टाइम कम देना पसंद करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सभी लोग किस चीज़ में बिजी हैं अपनी डेली रूटीन लाइफ में। मैंने देखा है स्टूडेंट्स हों चाहे कोई भी हो, इवन मी ऑल्सो, व्हेन आई ईट In one hand I have my phone and another hand I am eating, but that's very bad habit, right? People are carrying dry foods or fast food in their vehicles. Why? So that they can drive and eat it. So what we are doing, we are just swallowing the food, we are not chewing the food, we are not aware of the taste of the food, texture of the food, the ingredients which we have used in that food, राइट। बट ये लॉकडाउन पीरियड में हमको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। मुझे याद है व्हेन आई वाज इन यूरोप, मेरा जब डिस्कशन होता था अपने शेफ से, तो लैटिन अमेरिका में और लैटिन कंट्रीज में पहले ये एक कल्चर था कि लोग खाने के बाद दे गो फॉर अ वॉक, इवन इन इंडिया ऑल्सो दे गो फॉर वॉक, राइट, टू डिस्कस द थिंग्स। जैसे अगर आपको याद होगा, हम जनरली पुराने टाइम में हम लोग यही बोलते थे, कोई भी बात करनी है ओके ड्यूरिंग डिनर टेबल और ड्यूरिंग लंच टेबल वी डिस्कस द थिंग्स, क्योंकि उस समय वी गिव द टाइम टू द फूड, वी स्पेंड द टाइम, दैट ऑल्सो इंक्लूड द कल्चर, राइट। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया वी हैव अ डाइवर्सिफिकेशन, राइट। इन पूजा वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, इन श्राद्ध वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, इन होली दिवाली वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, राइट। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सेयरिंग्स। होली पे आपने देखा होगा हम एक दूसरे के घर कलर लगाने जाते हैं, तो वी फाइंड अ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, राइट। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो इट्स वेरी सिंपल एग्जांपल, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे और जब आपका बेबी व्हेन ही और सी स्टार्ट हैविंग द सॉलिड्स, तो डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है कि आप बच्चे को सॉलिड देना स्टार्ट करें एंड स्पेंड टाइम विद द चाइल्ड और द किड, राइट। सो द सेम वे वी हैव टू गिव टाइम टू अवर फूड, राइट। जब तक अगर आप टाइम नहीं देंगे फूड को, अब फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको खाना नसीब नहीं है, लेकिन आप अगर उनको किसी दिन रेस्टोरेंट में ले जाकर खिलाते हैं, तो वो मेरे ख्याल से उनके लिए मेमोरेबल डे होगा, वो कभी जिंदगी में भूल भी नहीं सकते। सो वी आर लक्की एनफ कि वी हैव अ रूफ एंड वी आर हैव अ वेरी गुड फूड, आपकी थाली में गर्म खाना आ रहा है, इससे बेटर तो कोई ऑप्शन ही नहीं, इससे तो That is the best part of a life. But people are ignoring that. People are just spending the time on other things. They are not giving time to the food. But this lockdown period is a good time. And I have seen during this period, people are spending time in cooking, in eating the food with their family members. Right? This is called communities and the importance of food. Right? Okay. For an example, food never sees even the national boundaries, right? Pizza ka example lete, everyone like pizza. But pizza is from where? Pizza is from Italy, right? And if you talk about the tomato, tomato is from Central America, origin of Central. But do we fight that tomato is from Central America and pizza is from Italy? No, in India also we are eating the pizza everywhere. So food can be global, food can be local, right? So depend on you, right? How much you are taking interest in
बीइंग ए शेफ, व्हाई आई एम सेइंग बीइंग ए शेफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव टाइम टू द फूड। ओके, आप शेफ भी नहीं हो लेकिन अगर आप डॉक्टर की सलाह भी लें, अगर आप कोई भी खाना च्यू करते हो, टाइम देते हो उसको, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। आई थिंक आई एम राइट, राइट? सो स्टे होम, बी सेफ, दिस इज द राइट टाइम व्हेन वी कैन स्पेंड द टाइम विद द फैमिली, विद द किड्स, एंड मोर ओवर वेयर वी कैन गिव अ टाइम टू द फूड। व्हेन एवर यू आर हैविंग द फूड, स्लो डाउन, ईट इट, फील इट, राइट? देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द फूड, द इंडियन फूड, नॉट ओनली द इंडियन फूड, द ग्लोबल फूड। ओके, सो आई थिंक यू स्टार्ट डूइंग दिस, हैव अ गुड डे, थैंक यू।